कौन से भेद होते हैं? नंबर एक भूतकाल, नंबर दो वर्तमान काल और नंबर तीन होता है हमारा भविष्यत काल। तो पहले में मैंने आपको भूतकाल के छह भेद होते हैं उसके बारे में बताया था, आज मैं आपको वर्तमान काल के बारे में बताऊंगी। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। काल की परिभाषा होते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या है क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि कार्य किस समय में हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, यानी कि जो समय चल रहा है प्रेजेंट, कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के बच्चों तीन भेद होते हैं। नंबर एक सामान्य वर्तमान काल, नंबर दो अपूर्ण वर्तमान काल और नंबर तीन पर है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पता करेंगे? हम पहले पता करेंगे सामान्य वर्तमान के बारे में। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ। नंबर एक पर जैसे हमारा आ जाता है राम खाना खाता है। नंबर दो पर है हमारा गाय घास चरती है। और नंबर थर्ड पर आ जाता है हमारा माँ खाना माँ खाना बनाती है। नंबर फोर पिताजी ना है पे अंकबिंदी आई है क्योंकि ये माँ क्या है हमसे बड़ी है तो बड़ों के लिए सम्मान में क्या करते हैं है पे अंकबिंदी लगाते हैं पिताजी। अखबार पढ़ते हैं यहाँ भी क्या आएगी हमारी अंकबिंदी आएगी। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर चार सेंटेंस लिखे हैं राम खाना खाता है तो क्रिया यहाँ पे क्या रहा है हमारा क्रिया की क्या पता चल रहा है लास्ट में क्या है सेंटेंस के ता है ती है बनाती है पढ़ते हैं। तो जहाँ पर देखो राम खाना खाता है यानी इससे क्या पता चल रहा है कि राम खाना खाता है यानी कि प्रेजेंट समय में जो हमारा समय चल रहा है इसमें खाना खाया जा रहा है। गाय घास चरती है गाय घास चरती है यानी कि चर रही है चर चुकी नहीं है चरती है। माँ खाना बनाती है माँ खाना बनाती है। तो इन सब सेंटेंस में सबसे जरूरी क्या है हमें जो जिससे हमें पता चलेगा कि सामान्य वर्तमान काल है कि इसमें ता है ती है और ते है। तो जहां पर भी ये शब्द आ जाते हैं ता है ती है ती है जो हमारे क्या करते हैं वो वहां पर हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाता है जहां कार्य का अभी पता चल रहा है कि वर्तमान समय में ही कार्य हो रहा है और इसी पैटर्न में जहाँ कार्य किए आ जाते हैं वहाँ सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर अपूर्ण वर्तमान यानी कि वर्तमान समय में जो कार्य होता है लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे मैं आम खा रही हूँ। नंबर दो पर हम लिखेंगे राम गाना
इसके बाद बच्चों अब हम जानते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें हम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यहाँ पर देखिए बच्चों हम आ गए हैं नंबर थर्ड पर। इसका है संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहला मैंने यहाँ पर लिखा है रतन पत्र लिखता होगा, यानी कि कार्य ये कार्य क्या है वर्तमान काल में हो रहा है। लेकिन इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें भी हमें
संदेह नजर आ रहा है कि राम पत्र लिखता होगा। इसमें दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, राम खाना खाता होगा, यानी कि राम का खाना भी खत्म नहीं हुआ है, शायद राम खाना खाता होगा। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर भी संदेह आ गया। गाय घास चरती होगी, गाय घास, इसमें पता नहीं चल रहा है कि गाय ने घास चर लिया है, चरती होगी, तो कुछ इसमें क्या हो रहा है, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है कि चरती होगी, लेकिन उस कार्य में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। माँ खाना बनाती होगी, इसमें भी क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि शायद माँ खाना बनाती होगी। और इसी मैदान क्या होगा, ता होगा, ती होगी और ते होगी, इनकी पहचान क्या होगी, ता ती ते। तो बच्चों आज आपने जाना इसके बारे में, आज आपने जाना वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल क्या है, जो हमारा प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान कहते हैं। इसी परिभाषा करिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा है, समय में कार्य के होने का पता चले, यानी कि जो समय चल रहा है उसी में कार्य के होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। नंबर एक सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होता है कि मैंने ता है, ती है, ते है, कार्य वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसके सेंटेंस के पीछे क्या होता है, ता है, ती है आदि शब्द लिखे होते हैं। और इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि जिस सेंटेंसों में प्रेजेंट काल में, प्रेजेंट यानी कि